प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। मेरे साथ में आगरा से महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष हैं उपमा गुप्ता जी। महिलाओं की भागीदारी किस तरह की रही है उत्तर प्रदेश में मैं खुद जानूंगा, और महानगर अध्यक्ष के रूप में आपने कितनी मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आगरा में 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो महिलाओं का कितना अहम रोल रहा है। मेरे साथ में उपमा गुप्ता जी हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, जिस तरह से एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की जो भागीदारी रही है आगरा में, किस तरह से आपने मेहनत की एक महानगर अध्यक्ष के रूप में? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपमा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चे की अध्यक्ष। पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और इस प्रचंड जीत में भी आप सभी कार्यकर्ताओं, भाई बंधु, जितने भी मेरे समस्त आगरा के वासी हैं, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाओं का एक अहम रोल इस इलेक्शन में देखा गया, जैसे पूरा शहर भली भांति जानता है कि मेरे पास 22 मंडल आते हैं। 22 मंडलों में हर मंडल में महिला मोर्चा अपनी 21 सदस्यों की कार्यकारिणी के साथ खड़ा हुआ है। अभी भी मेरे पास दीनदयाल मंडल की अध्यक्ष सिंपल जी खड़ी हुई है। इसी प्रकार से 22 के 22 मंडल में हमने महिला मोर्चे को खड़ा किया। उन महिलाओं ने अपने मंडलों में जन स्तर तक जा के, हर गली हर चौराहे पर जा कर मोदी जी की और योगी जी की योजनाओं को जन स्तर तक उतारा, और हमारी सरकार भी महिलाओं के लिए ही ज़्यादातर काम कर रही है। जैसे कि एक ये अभी चला जो अनाज योजना चली, जो महीने में 2 बार राशन वितरण हुआ, जिससे कि कोरोना में जो लोग भाई बंधु परेशान थे, जिनके काम छिन गए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि देश की गति तो धीमी हुई है, तो उस गति में जो हमारी सरकार ने सहयोग किया कोरोना काल में भी, महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना भाग निभाया। कोरोना काल में सभी लोग जब घर के अंदर बंद थे, विपक्षी दल जब घर के अंदर बंद थे, तब महिलाओं ने अपने हाथों में ये बीड़ा उठाया कि हम किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे, और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक कार्यकर्ता बहन ने घर घर जाकर खाना, सूखा राशन, जो भी उनसे दिया गया वो काम किए, और इन्हीं सारी चीज़ों से जनता के दिल में अपने लिए जगह बनाई। और हमारी सरकार ने जितने भी काम महिलाओं के लिए किए, आज यही कारण है कि जनता जनार्दन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जैसा कि आपने चुनावों के परिणाम में देख ही लिया होगा। एक महिला होने के नाते आपको कुछ चुनौतियां भी फेस करनी पड़ी होंगी महानगर अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि आपने एक लंबी पारी कहेंगे शायद 2019 से आप नहीं, वैसे मैं 2013 से हूँ। अच्छा, 2013 से, तो एक लंबी पारी हो गई। एक महिला होने के नाते चुनौतियाँ कितनी आती हैं कि एक पुरुष होता है तो चलो सारी चीज़ों से फाइट करता है, लेकिन एक महिला होने के नाते आप अपना तो स्थापित करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कारवा आपने तैयार कर दिया महिला के रूप में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम देश की उस पार्टी में है जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की महानगर की अध्यक्ष बनी तो मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय था कि मैं आज उस पार्टी के अंदर मेरा नेतृत्व करने वाली वो पार्टी है जिसमें महिलाओं को भरपूर सम्मान मिलता है। वही सम्मान मेरी अन्य बहनों को मिला, जो कि आज एक इतने हुजूम के साथ मेरे साथ इकट्ठी हो गई, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चली। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी में हर बहन को जैसा चाहे वैसा सम्मान मिलता है। चुनौतियों का सामना तो हर महिला को करना पड़ता है, ये राजनीति है, और राजनीति में महिलाओं को तो और ज़्यादा सामना करना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, हमने इन सारी चुनौतियों को फेस किया। उसका कारण ये था कि गुंडे, मवाली, अराजक तत्व जो भी थे वो सभी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। आज महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होता, किसी भी प्रकार की महिला परेशान नहीं होती है, और यही कारण था कि जब मैं महानगर अध्यक्ष बनी तो सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का हाथ हम लोगों के सर के ऊपर है, और इसी गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और वही कारण है कि पूरा का पूरा आज हुजूम जो महिलाओं का इस इलेक्शन में देखने को मिला, उससे कोई भी बेखबर नहीं है। पूरा आगरा ये जानता है कि महिलाओं ने 70% भागीदारी इस बार के चुनाव में दी है। ये चुनौती की बात हुई, खुद इंडिविजुअल अगर आपसे कहें कि आपने फाइट की है, आपने 2013 से लेके अब तक जो महानगर अध्यक्ष पद पर आप काबिज हैं, 4 विधानसभा आगरा शहर सीट की, इसमें कितनी मेहनत आपकी लगी है, क्योंकि टीम वर्क है, हालांकि एक प्रोटोकॉल के तहत चलती है भारतीय जनता पार्टी, पूरा एक मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है, बूथ स्तर से चलती है, लेकिन इंडिविजुअल रूप से आप के आपको कितनी चुनौती लगी है? वैसे तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे 4 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी थी, कि मेरे लिए 4 विधानसभाएं बहुत अहम थी,
लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी उससे भी अलग दी, उससे भी अलग हट करके मैंने अपनी 22 के 22 मंडलों में प्रवास कर करके बार बार जा करके अपनी बहनों को जागृत किया। जागृत करने के बाद उन्हें अपने हिसाब से काम पर भी लगाया, हर उस महिला के पास भेजा जो परेशान है, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए भी उन लोगों से बोला। और महिलाओं ने ऐसा किया भी, मेरी मंडल की सभी बहनों ने एकजुट होकर बहुत काम किए। और कुछ अलग से हमने जो सहभागिता दी वो यही है कि हमने अपने जो अलग से काम किए हैं, थोड़ा सा अलग अलग भजन के माध्यम से, गानों के माध्यम से लोगों को समझाया है ना, और उनकी योजना जो हमारी सरकार की योजनाएं थी वो हमने भजन के माध्यम से लोगों तक समझाई। सबसे बड़ा तो मुद्दा इसमें श्री राम मंदिर का रहा कि हम सब अनुयायी हैं अपने श्री राम के, और जो श्री राम को मानता है वो जानता है कि पुरखों ने कितनी बलिदान दिए हैं। पुरखों ने बहुत बलिदान देने के बाद ये समय आज हम देख रहे हैं कि उनके बलिदान को आज हम अपने समय में पूरा होते देख रहे हैं, तो ये खुशी भी महिलाओं में थी। और महिलाएं जानती है, महिलाएं घर चलाती हैं, गृहस्थी चलाती हैं, तो वो जानती है कि कितना कठिन काम होता है। जी एक सवाल और लूंगा, आजकल एक फिल्म के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, कश्मीर फाइल्स जो एक फिल्म आई है, आप किस तरीके से देखती हैं महिलाओं का वहाँ किस तरीके से एक दोहन हुआ होगा, महिलाओं की कितनी परेशानी हुई होगी जो आज हमें ये फिल्म देखने के लिए लोग कहीं ना कहीं अपील भी कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं कि देखिए इसमें कुछ अलग है। देखिए मैं तो जब पहली बार पिक्चर देखी तो सच बताऊं मैं खुद बहुत भावुक थी। मुझे अपने हिंदू होने पर अब बहुत अभिमान तो था ही, लेकिन अब उससे भी कई बढ़ के अब इसलिए है कि मैं हर किसी को ये प्रेरणा देती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरा वाला तो अब्दुल्ला बहुत अच्छा है या ये है या वो है, कुछ भी हो, लेकिन मैं बहनों से अपील करती हूँ इस पिक्चर को जरूर देखें, अपनी बेटियों को जरूर दिखाएं और देखें कि हम लोगों पर जितने भी अत्याचार हुए थे वो फिल्म के माध्यम से बिल्कुल क्लियर सामने है। और बहुत कुछ जो पहले की तस्वीर थी इस पिक्चर के माध्यम से हम लोगों के सामने लाई गई, और ये अपील लोगों की दिल से है कि हम ये पिक्चर देखेंगे और देखनी भी चाहिए। मैं तो जब पहली बार देखी तो बहुत कुछ अंदर जो कुछ अभी तक अनभिज्ञ था, गुस्सा भी था कि इस तरह का इतिहास रहा है जिसे छुपा के, शायद कुछ चीजों से हम अनभिज्ञ थे कि कुछ ऐसा हो चुका जो हमसे छिपाया गया, वो इस फिल्म के माध्यम से हम सबके सामने आया। मैं तो इस फिल्म बनाने वाले एडिटर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगे के लिए भी ये कहती हूँ इस प्रकार की फिल्म बननी चाहिए जिससे हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य जागरूक हो। धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरे साथ में महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आगरा से जो हैं उपमा गुप्ता जी, उन्होंने अपने जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है वो किन किन विषयों को लेकर हुई, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मोदी और योगी की जो प्रदेश भर में चलाई गई उनको लेकर हुई, और खास करके इंडिविजुअल रूप से आपका क्या अनुभव रहा है वो अर्थ न्यूज से बयां किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे के 5 साल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह का विकास और किस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आती है जिससे कि देश का, प्रदेश का और लोगों का भला हो। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।